नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन सेंटर आइडिया पढ़ेंगे और ये दूसरा सेंटर आइडिया, पहला तो अपने पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देखिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेंटर आइडिया है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके जो कवि हैं पाब्लो नेरुडा जी हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो सेंटर आइडिया था माई मदर एट 66 नाम से, ठीक है। तो वो भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देखिए, ठीक है। तो जब भी कहीं कोई सेंटर आइडिया लिखेंगे तो उसका नाम, उसके कवि का नाम लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे एक सेंटर आइडिया, ठीक है। तभी आप लिखेंगे, अच्छे से लिखना, पैकिंग अच्छे से करके लिखोगे, ठीक है। सेंटर आइडिया जब भी लिखो तो पैकिंग अच्छे से करो, ठीक, तभी लिखो। आगे पढ़ते हैं, दिस सेंटर आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मतलब यह, दिस का मतलब यह, सेंटर आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। कविता का हम मेन थीम पढ़ते हैं, सेंटर आइडिया में क्या पढ़ेंगे, कविता का मेन थीम, यानी कविता में बताया क्या गया उसे कम शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। उसके हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि यह सेंटर आइडिया या केंद्रीय भाव लिया गया है, तो कविता कौन सी कविता से, कीपिंग क्वाइट नाम की जो कविता है उससे लिया गया है, ठीक है। कंपोज्ड बाई, यानी कि इसके रचयिता हैं पाब्लो नेरुडा, इसके रचयिता कौन है, पाब्लो नेरुडा, ठीक है। तो यहाँ तक तो वैसे इंट्रोडक्शन लाइन है, या जितने भी सेंटर आइडिया लिखोगे ये लाइन सब में आपको लिखनी है, लेकिन करना क्या है, जहाँ पर ये कवि का नाम है उसे बदल देना है। अगर दूसरा कोई सेंटर आइडिया लिखोगे तो उसी का यहाँ पर कवि का नाम आएगा, यहाँ पर कविता का नाम बदल के लिखोगे, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। दिस इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट से डेड, यानी कि कवि कहता है कि, यानी कि जितने भी सेंटर आइडिया लिखेंगे यहाँ तक सेम रख सकते हो, ये इंट्रोडक्शन लाइन है यहाँ तक की, ठीक है। बदलना क्या है, पोयम का नाम और पोएट का नाम, यानी कि कवि का नाम और कविता का नाम बदलना है, बाकी यहाँ तक सभी एक जैसे रहेंगे। क्यों रहेंगे, इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट कवि सेज कहता है डेट की, इस कविता में कवि कहता है कि, तो इतना तो सब में रहेगा एक जैसा। आगे कविता का जो भी मेन थीम है, कवि क्या बताना चाह रहा है, वो आगे लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, मैन हैज बीकम वेरी सेल्फिश, यानी कि जो मनुष्य है बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। मैन का मतलब व्यक्ति या मनुष्य, हैज बीकम मतलब हो चुका है, वेरी बहुत, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, मनुष्य कैसा हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है, ठीक है। एंड और ही जो अन एक्शन, वह अपने कर्मों के कारण, कैसे मतलब कारण, हिम मैनी मिसरीज, यानी कि अनेक परेशानियां झेल रहा है, ठीक है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण क्या कर रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है। उसके बाद है द वर्ल्ड, यानी कि संसार, टुडे मतलब आज के समय में जो संसार है, स्टैंड डिवाइडेड डिवाइडेड वाई द मैन मेड बाउंड्रीज, यानी कि आज के समय में जो संसार है वो बटा हुआ है, कई बाउंड्रीज, कई सीमाओं में बटा हुआ है, कैसे, चाहे वो ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनलिटी एंड ज्योग्राफिकल डिविजन्स, यानी कि हमने मतलब तमाम बाउंड्रियाँ बना दी, चाहे वो जाति से संबंधित हो, धर्म से, संप्रदाय से, वर्ग से, है ना, और भाषा से, धर्म और लैंग्वेज, कल्चर मतलब संस्कृति, राष्ट्रता से, और भौगोलिक क्षेत्रों में हम बटे हुए हैं। तो कभी यही कह रहा है कि आज के समय में संसार जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म अथवा संस्कृति, राष्ट्रीय और भौगोलिक, ज्योग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक सीमाओं में बटा हुआ है, है ना, यानी कि व्यक्ति इन सारी चीज़ों में बट गए हैं। तो हमें क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। कभी क्या कह रहा है, वी नीड, हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टू राइज अबव, यानी कि इन सबसे ऊपर उठने की, दीज स्मॉल इशूज मतलब इन तुच्छ मुद्दों से, ये तुच्छ मुद्दे हैं ना, उनसे हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। तुच्छ मुद्दे कौन से हैं, जो जाति धर्म बारे से संबंधित हैं, जाति धर्म में वाले हो गए, संप्रदाय हो गया, भाषा हो गई, है ना, तो छोटे छोटे मुद्दों में हम फंसे हुए हैं, कोई मतलब भाषा के रूप में फंसा हुआ है, किसी की भाषा कोई सी है कोई सी है, तो आपस में क्या हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इन तुच्छ मतलब विवादों से हमें क्या करना है, ऊपर उठना है, एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और हमें क्या करना है, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आई होप आप ये वीडियो तो मतलब समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लेकिन सभी मित्रों को शेयर कर दें अपनी वीडियो, ठीक है, जिससे उनकी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।